तो हेलो एंड वेलकम गाइस जी, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया रहेंगे। आज का न्यू वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर एंड शानदार है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एंड्रॉइड 11, 12, 13, 14 का जो परमिशन है कैसे आप दे सकते हैं URI तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से आप डायरेक्टली डाउनलोड कैसे कर सकते हैं एंड्रॉयड, जो जहाँ पर भी आप पेस्ट करना चाहते हैं आप ओ वी भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है डाटा के अंदर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आप लोगों को ये जो आपको दिख रहा है इसके ब्लॉक टेस्ट 44, इसको आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को सर्च बार पे आप लोगों को सर्च कर देना है URI। आप लोगों को URI सर्च करने के बाद आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को नीचे आप लोगों को दिख रहा है एंड्रॉयड 11 URI, तो इसको आप लोगों को जो है डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ पर नेम को चेंज कर सकते हैं या फिर कलर को चेंज कर सकते हैं। बस आप लोगों को जो है यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। एंड सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, स्केच ओयर को ओपन कर लेना है। स्केच ओयर को ओपन करने के बाद आप लोगों को क्रिएट ए प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आप किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी एक्टिविटी के अंदर आप यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे फास्ट में आप लोगों को इवेंट में क्लिक करना है। इवेंट में क्लिक करने के बाद ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट इस पर क्लिक करना है। आपको ऐड वाले ऑप्शन पर ऐड कर देना है। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐप कॉम्पैक्ट एंड डिज़ाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। एंड ऑन करने के बाद आप लोगों को सिंपल सा प्रोसेस है, आपको क्या करना है ऑन क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आप लोगों को सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर हमने ब्लॉक को ऐड करके रखा है, यहाँ पर लिखा है हाउ टू यूज माई ब्लॉक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है किस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। यहाँ पर इम्पोर्ट जो है आप लोगों को इम्पोर्ट, यहाँ पर आपको इम्पोर्ट देना है। तो इम्पोर्ट कैसे देख सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ लिखा है कस्टम वेरिएबल, आप कस्टम वेरिएबल कैसे ऐड कर सकते हो वो भी हम दिखाएंगे, और आपको इंटेंट ऐड करना है, तो ये सब आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर लिखा है आस्क्ड परमिशन, आस्क्ड परमिशन के अंदर आपको ये जो कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ से आप लोगों को सीधा आपको कॉपी कर लेना है इस टाइप से। तो हमने कॉपी करके रखा है, ये रहने देते हैं। आपको ऑन क्रिएट URI परमिशन आपको नीचे इस टाइप से लगा लेना है। अब आपको क्या करना है, बैक करने के बाद आप लोगों को सिंपल सा जो है नीचे आप लोगों को यहाँ पर मोर ब्लॉक के अंदर क्रिएट करना है, एंड आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्रिएट कर देना है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे परमिशन। यहाँ पर परमिशन लिखने के बाद हम ऐड वाले ऑप्शन पर ऐड कर देंगे। एंड ऐड वाले ऑप्शन पर ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, परमिशन के अंदर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोगों को सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आना है। एंड लास्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आस्क्ड परमिशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको आना है। एंड इस जगह पर आप लोगों को इस कोड को पेस्ट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एंड्रॉयड एक्सटर्नल स्टोरेज से गुजरेगा, और यहाँ से आप लोगों को एंड्रॉयड एंड डाटा के अंदर जाएगा। आप चाहते हैं कि हमारा जो परमिशन है वो OBB तक रहे, तो आपको यहाँ पर OBB लिखना है। अगर चाहते हैं कि हमारा जो परमिशन है वो डाटा के अंदर से और भी फोल्डर के अंदर जाके रुके, तो यहाँ पर आपको DATA टाइप करना है। फिर आपको यहाँ पर पर्सन टू F कैपिटल लेटर में आपको F टाइप करना है। फिर आपको पैकेज नेम डालना है, जिसका भी पैकेज नेम के अंदर जाना चाहते हैं आपको, आप लोगों को यहाँ पर जो है MT मैनेजर खोल लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एंड्रॉयड वाला सेक्शन पे जाना है, डाटा वाला सेक्शन पे जाना है। अब किसी भी फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं, जैसे कि हम ए वाला फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आप लोग को प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद इसको जो नेम है नेम को कॉपी कर लेना है इस टाइप से। तो हमने पर्सन टू F लिखने के बाद नेम को कॉपी करने के बाद इसको इस टाइप से आप लोगों को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने पेस्ट कर दिया है, तो आपको सेव कर देना है। आप चाहते हैं कि हमारा जो है डाटा के अंदर हो या फिर OBB के अंदर हो, तो आपको सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आपको OBB लिखना है, एंड OBB लिखने के बाद आपको जो पैकेज नेम है उसको आप लोगों को डाल देना है, ताकि आपका एंड्रॉयड 13 तक वर्क करे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाटा, इस टाइप से हम डाटा लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड हो गया है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर में एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे फिर से। एंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑन क्रिएट, इस ऑन क्रिएट के अंदर जाना है। ऑन क्रिएट के अंदर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस है, लास्ट पर जाना है। लास्ट पर जाने के बाद आप लोगों को वीडियो को गौर से देखना है। यहाँ पर आपको फिर से आप लोगों को क्या करना है, मोर ब्लॉक के अंदर जाना है, परमिशन लिखा हुआ है, परमिशन को इसके अंदर आपको अटैच कर देना है। इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ पर ऑन क्रिएट के अंदर इसको आपको इस टाइप से रखना है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया है। आपको क्या करना है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर क्लिक करना है, एंड आपको सिंपल सा प्रोसेस है, फिर से स्क्रॉल करना है, फिर से आपको यहाँ पर ऑन एक्टिविटी रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आप जो है डायलॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर डायलॉग का इस्तेमाल करेंगे, ऐड योर डायलॉग। यहाँ पर आपका जो डायलॉग है डायलॉग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको
कुछ भी लिख लेना है। लिखने के बाद आप लोगों को टाइटल यहाँ पर लगाना है, मैसेज लगाना है, ओके बटन लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है हमारा डायलॉग शो करेंगे, अगर परमिशन कोई गलत होता है तो हमें यहाँ पर लिखना है प्लीज। तो यहाँ पर आपको लिखना है परमिशन, परमिशन प्लीज परमिशन, इस टाइप से हम लिखेंगे। और आपका मैसेज पे, आप मैसेज पे जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे ओके लिख देना है, या फिर कुछ आप अलग से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद आप लोगों को मोर ब्लॉक के अंदर जाना है, परमिशन को इस डायलॉग के अंदर रखना है। नीचे वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्या करना है, नीचे वाले ऑप्शन पर आप लोगों को फिनिश एक्टिविटी देना है। अगर परमिशन कोई 4-5 बार गलत कर देते हैं तो आपका जो एक्टिविटी है वो फिनिश हो जाएगा, मतलब कि कट जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, हमारा दो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्लास पार्ट को आप लोगों को लगा लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको हमारा जो ब्लॉक है, ऑल ब्लॉक का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को इस टाइप का आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है जी पल्टा को सिलेक्ट कर लेना है, दूसरी बार कॉपी कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि हम ये इस्तेमाल, हमारे पास ये नहीं है, तो आपको क्या करना है, हमने दे के रखा था तो उसके अंदर से जाके आप लोगों को कॉपी करके लाना है, ठीक है। तो मैं अभी दिखाऊंगा क्या करना है, यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्री को ऐड कर देना है। अगर ये नहीं है तो हम आपको यहाँ पर जो है कैसे आप यूज कर सकते हैं, हाउ टू यूज, उसके अंदर ये कोड दिया गया है। तो यहाँ पर इसे हम कॉपी करेंगे एंड आपको डाटाबेस को कॉपी कर लेना है एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग। यहाँ पर आप लोगों को ये जो है हमने लगाया है जीप अल्ट्रा, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोवाइडर एंड डॉक्यूमेंट कॉन्टैक्ट एंड डाटाबेस एंड नीचे आपको डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चारों को हमने सिलेक्ट करके रखा है। तो सिलेक्ट कर लेना है आप लोगों को एंड नीचे आप लोगों को ऑन एक्टिविटी क्रिएट के अंदर कुछ भी नहीं करना है, परमिशन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका ऑटोमेटिकली आप जाके वर्क करेगा। अब आपको क्या करना है, मैं एक बार आपको फिर से दिखाऊँगा ऑन क्रिएट के अंदर जाके। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है हमको इंपोर्ट करना है, जो कि हमने इंपोर्ट ये जो है चारों फाइल को इंपोर्ट करके रखा है। और यहाँ पर अभी बोल रहा है ऐड योर कस्टम वेरिएबल, आपका जो कस्टम वेरिएबल है वो आपको ऐड करना है। तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट आपका जो है नेम के अंदर आपको URI डालना है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहाँ पर दिखाया है, नेम URI होगा, टाइप होगा MURI। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है फर्स्ट में आपको URI टाइप करना है, फिर MURI, तो कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद वेरिएबल पे क्लिक करना है, ऐड योर कस्टम वेरिएबल, यहाँ पर आपको लिखना है URI, नीचे लिखना है MURI। तो आपको यही से आपको ऐड करते जाना है, नीचे आपको लिखा है URI, इसको कॉपी कर लेना है, फिर लिखा है डस्ट URI। तो यहाँ पर आपको लिखना है, नीचे वाले ऑप्शन पर देते हैं डस्ट URI, ऊपर में हमें URI सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं URI एंड DEST URI, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको नीचे फिर से लिखा है URI, फिर लिखा है पेरेंट URI। तो आपको इसको भी सेम टू सेम प्रोसेस से आपको डाल देना है URI और नीचे आपको पेरेंट URI। तो ये हमने डाल दिया है एंड आपको क्या करना है, नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है URI 2। तो यहाँ पर जो है आपको सेम प्रोसेस से आपको ऐड योर कस्टम वेरिएबल, इसको आपको URI एंड नीचे आपको URI 2 आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, आपको अगर पता नहीं है तो आपको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। नीचे देखो लिखा है डॉक्यूमेंट फाइल, आपका जो नेम है डॉक्यूमेंट फाइल है और आपका जो फाइल टाइप है वो है, यहाँ पर देख सकते हैं M फाइल लिखा है। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर लिखना है डॉक्यूमेंट फाइल, नीचे वाले ऑप्शन पर लिखना है M फाइल। तो इसको ऐड कर देना है, फिर से आपको ऐड करना है यहाँ पर, जो कि हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट फाइल, नीचे आपको M फाइल और यहाँ पर ऑन M फाइल ऑन, जो कि यहाँ पर देखो लिखा है M फाइल ऑन। फिर से आपको डॉक्यूमेंट फाइल, फिर यहाँ पर आपको पेरेंट फाइल को ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेरेंट फाइल, ऊपर में जो डॉक्यूमेंट फाइल था उसे हम पेस्ट कर देंगे। फिर से आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है INT, यहाँ पर देखो लिखा है INT और न्यू फोल्डर रिक्वेस्ट कोड। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है, न्यू रिक्वेस्ट फोल्डर को नीचे लगाना है और INT को ऊपर में ऐड कर देना है। हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी गाइज आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ऐड योर इंटेंट, आपका इंटेंट ऐड करना है, इंटेंट का नाम क्या होगा I, और नीचे देखो लिखा है शेयर्ड परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपको SP ऐड करना है। तो आपको काटना है थोड़ा एंड आपको कंपोनेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। कंपोनेंट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंटेंट वाले ऑप्शन पे आपको I सिलेक्ट करना है, ऐड कर देना है, फिर से आपको इंटेंट पे सिलेक्ट करना है
यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है शेयर्ड परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस में आपको ऊपर में एस पी नीचे में एस एंड पी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम जो ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट को एक बार रन करेंगे और रन करने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को अभी दिखा देंगे। तो वीडियो को जो है कंटिन्यू वॉच करना ताकि आप लोगों का हर एक जो टाइप है आप लोगों को ठीक से पता चले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कोई एरर आते हैं तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है हमारा प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि हम आपको सही प्रोसेस से सही तरीके से वीडियो दिखाते हैं और आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के मदद से आप किस टाइप से ऐप बना सकते हैं वो भी हम आपको सिखाते हैं। तो हमारा जो प्रोसेस है कंटिन्यू हो गया है, हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम ऐड कर लिया है एंड ऐड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो परमिशन है आप लोगों को सही जगह पर लेके आया है।